बिस्मिल्लाह कुमार असलम व्यूअर्स, आपका खुश आमदी में ट्रेन स्ट्राइक के छटकारे में आज आपके लेके आलू मेथी की रेसिपी। आप लोग घर में मेथी बनाते हैं लेकिन वो कड़वी होती है, लेकिन आज आप बनाना सिखाएंगे मेथी जो कड़वी भी नहीं होगी, बड़े मजे की भी होगी, अपने घर वालों को दोस्तों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। करते हैं मेथी की रेसिपी स्टार्ट। में बताते हैं मेथी कैसे बनती है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैंने एक पैन कर लिया आधी प्याली ऑयल, ये देखिए मेरी छोटी प्याली है तो आपको फूल नजर, लेकिन ये आधी प्याली है ठीक है। 125 ml ऑयल लिया ठीक है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। व्यूअर्स मैंने लिए 2 मीडियम प्याज, आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छी तरह चॉप कर लिए बारीक ठीक है। इसके ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे इसको। ठीक है इसे मिक्स करेंगे और इसके साथ साथ मैंने लिया 1 टेबल स्पून जीरा साबित, ये देख सकते हैं ये इसके अंदर डाल देंगे। बस प्याजों को इतना पकाएंगे इसका कलर चेंज हो जाए, बस ज्यादा नहीं पकाना हमने, कलर चेंज करना प्याजों का हमने। व्यूअर्स दे सकते हैं प्याजों का हो गया कलर चेंज, ये देखें कलर हो गया चेंज। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू, मैंने लिए थे मीडियम आलू 3 अदद, ये देखें पहले से कट कटे हुए रखे तो इसलिए पानी के अंदर रखे ताकि वो काले ना हो। तो अब ये ऐड कर देंगे इसके अंदर 5 सेकंड मीडियम। मैं 2 टेबल स्पून के करीब लिया कोटा वाला लहसुन अदरक, ये देखें अब इसमें ये ऐड कर देंगे और आलू को हम 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे ऑयल और प्याज और लहसुन अदरक के साथ, ताकि आलू अच्छी तरह क्रिस्पी से फ्राई हो जाए और गल भी जाए। व्यूअर्स देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, आलू इस टाइम पर आधे गल चुके हैं ठीक है। इसके साथ साथ मैंने लिए 2 मीडियम टमाटर, ये देखें इसको ग्राइंड कर लिया, अभी इसमें ये ऐड कर देंगे ठीक है। ऐड करने के बाद इसके साथ साथ टमाटर के साथ हम ऐड कर देंगे हल्दी 1/2 टेबल स्पून, ये देखें हल्दी ऐड कर दी और साथ में इसमें नमक ऐड कर देंगे। ये टमाटरों के साथ नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर जल्दी गले, ये देखें 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया ये ऐड कर देंगे। उसके साथ मैंने लिया है काली मिर्च तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हम थोड़ी ज्यादा खाते हैं इसलिए मैंने ज्यादा लिया, ये देखें नमक भी आप कम ज्यादा डाल सकते हैं। देखिए व्यूअर्स मैंने हर चीज मिक्स कर ली है, अब इतनी देर तक इसे पकाएंगे कि ऑयल पूरा ऊपर आ जाए और टमाटरों का पानी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको ढाप देंगे, बस ऑयल का इंतजार करेंगे हम कि ऑयल ऊपर आ जाए अच्छी तरह और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। मीडियम आंच पर हम इसे रखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और ऑयल निकल आया। अब इस टाइम पे आके लिए सूखा धनिया 2 चम्मच, ये देखें कुटा हुआ, ये डाल देंगे इसके अंदर। इसके साथ साथ हम ऐड कर देंगे मेथी, मेथी लिए मैंने 1.5 किलो, उसे अच्छी तरह उसके पत्तों को साफ करके अच्छी तरह धो लिया, ये देखें अच्छी तरह साफ कर लिया। अब इसके अंदर ये ऐड कर देनी हमें आराम से सारी मेथी। आप सोच रहे होंगे पैन छोटे और मेथी ज्यादा है, लेकिन मेथी ने पानी छोड़ना है और इसमें खुश हो जानी, थोड़ी सी बच जानी है उसमें। इसको आराम आराम से मिक्स करेंगे मेथी को। मेथी की खास बात यह है जब आप मेथी डालते हो ना, मेथी को मिक्स करने के बाद आपने ढक्कन नहीं लगाना, फिर ना वो कड़वाहट होती है उससे, ऐसे ही पकाना है मीडियम आंच पे, स्लो स्लो करके मीडियम स्लो आंच पे आपने उसे पकाना है अच्छी तरह, फिर पानी को खुश करना है। आप लोग देख सकते हैं मेथी से मिक्स हो गई है, ये देखिए पानी निकला है मेथी का। हम इसको मीडियम आंच तक, मीडियम स्लो आंच तक उतनी देर तक पकाएंगे इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल निकला है ऊपर। इसके साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, देखिए ये ऐड कर दिया, और 3 से 4 चम्मच मिर्चें साबुत ये ऐड कर देंगे और इसको ढक देंगे नहीं, ऐसे ही पकाएंगे ताकि इसकी करवाहट खत्म होती है। अगर ढक देंगे तो मेथी की करवाहट खत्म नहीं होगी। ये देखिए पानी हो गया खुश्क मेथी का ऑलमोस्ट, ये देख सकते हैं आलू पहले से गले हुए थे, नरम हुए बिल्कुल। अब इसके अंदर मैंने लिए दही, आंच कर देंगे थोड़ी तेज और मैंने एक पहले इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही से मेथी जो थोड़ी बहुत करवाट रह जाएगी वो भी खत्म हो जाएगा और बहुत जबरदस्त से मेथी बन जाएगी, बहुत मजे की होने वाली है मेथी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह रोज अच्छी नई और आसान सी रेसिपी आप शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि आप घर में बना के अपने फैमिली के साथ मजे से एंजॉय कर सकें।
व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं बड़े मजे है कि देखिए हमारी मेथी हो गई रेडी, हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह रोज एक नई अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग जैसे कितने मजेदार की आलू मेथी हो गई रेडी कर दी हुई है, बड़े मजे की। अगर आपको हमारी वीडियो या रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरे लिए थोड़ा सा मक्खन फ्रेश ऊपर से ये डाल देंगे, ये देखें घर का बना हुआ है और बहुत मजे का लगेगा मेथी के साथ मेथी मक्खन। ठीक है, नई वीडियो तक दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज, खुश रहें, दुआ में याद रखना, भाई को भूलना मत और सपोर्ट भी करना।